बाबा बागेश्वर राजपूतों के लिए कह रहे हैं कि साहब ऐसे ऐसे वार, यज्ञोपवीत वार, फिर वो सब ऐसे है, उन क्षत्रियों ने ऐसा कर दिया। बाबा बागेश्वर, हम तो गुरु वशिष्ठ को गुरु मानते थे, भगवान राम, भगवान परशुराम ने भगवान राम के वर्चस्व को माना, और आप इस तरह से भाषा बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सारे हिंदुओं एक हो जाओ, आपने ये इस तरह से आप हिंदुओं को एक करेंगे? आपका जो घमंड है, आप ना तो भगवान राम के अवतार हैं, ना कोई आप अवतार पुरुष हैं। आपकी जो भाषा है, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आपसे पहले बीजेपी का प्रचार निकले करने निकली थी साध्वी उमा भारती, साध्वी रितंबरा, और कई साधु निकले थे, आज वो कहीं नहीं। आप भी जिस तरह से बीजेपी के रास्ते पर चलकर और इतने घमंड में भाषा बोल रहे हैं, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी बाबा। और आपके पास कोई ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, कोई आप सूरज का उगना बंद कर देंगे, या जो ब्लड हम ग्रुप के आधार पर चढ़ाते हैं वो ब्लड का सिस्टम आप चेंज कर दो, तो आप करवा दो कि मैं हिंदू का ब्लड हिंदू के ही चढ़ेगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण के ही चढ़ेगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय के ही चढ़ेगा, हिंदू हिंदू के चढ़ाएगा, मुसलमान मुसलमान का चढ़ाएगा। तो आपने ये जो किस्सा सुनाया, झूठे किस्से सुनाना, और फिर इस तरह से टारगेट करके झूठे किस्से सुनाकर बदनाम करना लोगों को, एक पूरी जाति को, एक पूरे धर्म को। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, बाबा आप पढ़ लेना, कि क्षत्रिय वो है जो भगवान के जैसा व्यवहार करे, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर मेरे जैसा व्यवहार करे, मतलब भगवान के जैसा, वो क्षत्रिय है। आप इस तरह से क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं। क्षत्रिय हमेशा दलित को, पीड़ित को, शोषित को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, और गांव में ब्राह्मण जागीरदार को, हवेली वाले को, गरीब राजपूत को, अमीर राजपूत को, किसी को भी कह दे कि आज सूतक लगा हुआ है, आज खाना नहीं बनेगा, तो उसके घर में खाना नहीं बनता है। ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते हैं क्षत्रिय, और आप इस तरह की भाषा बोलते हैं, बाबा आपने बहुत गलत किया। अब तक तो आप बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, मैं तो वैसे ही आपसे नाराज था, क्योंकि आप बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, आपका हमारे से क्या लेना देना, आपको ना देश से मतलब है ना धर्म से। और आपने तो भगवान कृष्ण का, राम का कद छोटा किया है आपकी भाषा से। आप कह रहे हैं भगवान राम और भगवान कृष्ण तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण तो पूरे ब्रह्मांड के, कोई धर्म और जाति के आधार पर आप उनको नहीं बांट सकते। आप बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कृष्ण के लिए अब आप अचानक एक जाति के लिए खिलाफ बोलने लगे और ऐसे किस्सा सुनाने लगे, वो पवित्र कार गायत्री मंत्र हम सब रोज करते हैं, हम भी पूजा पाठी हैं, लेकिन आप अपने आप को सुधारिए। इतना घमंड मत कीजिए, ये घमंड मैं आज आपसे कह रहा हूं बाबा, ये घमंड, ये जो लोग आपके पीछे पीछे चल रहे हैं ना, उनसे मैं कहूंगा अपने माँ बाप की सेवा करें। सबसे बड़ा धर्म आपके घर में है, जो बुजुर्ग बैठे हैं, चाहे दादा है, चाहे दादी है, चाहे माँ है, चाहे पिता है, भाई से बात नहीं करते तो भाई से बात करना चालू करें, दीन की, दुखी की, गरीब की सेवा करें। धर्म और जाति के नाम पर जो संत आपको झगड़े के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, मर्यादा, सच्चाई से आपका ध्यान हटा रहे हैं। सच्चाई